अपने वोटों का सही इस्तेमाल करूं, अपने लोगों को कामयाब करूं। तो हमारे आबाओ अजदाद ने मेरे भाई मुल्क के लिए इसलिए कुर्बानियां दी थी कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। लेकिन आज देख लीजिए हमारी बस्तियों में मेरे भाई, आप दूसरे आबादी के बस्तियों में जाइए, उनके बच्चों के तन पर अच्छे लिबास है लेकिन हमारे बच्चों के तन पर चीथड़े हैं मेरे भाई। आज दूसरी आबादी के बस्तियों में जाइए, उनके कांधों पे बस्ता है लेकिन हमारे बच्चों के हाथों में बेचने के लिए अखबार है, तो साइकिल की दुकान में पंचर लगाने के लिए औजार है मेरे भाई। आज दूसरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, कहीं हमारे लोग हमारे बच्चे होटलों में जाकर गुर्बत के पंचर लगा रहे हैं, होटलों में जाकर बर्तन साफ कर रहे हैं मेरे भाई। हमारे आबाओ अजदाद ने ख्वाब देखा था मेरे भाई कि मुल्क आजाद होगा तो हमारी नस्लें तरक्की करेंगी। आज हमारी नस्लों की तरक्की को उजाड़ दिया गया है, हमारे मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। और जब तक आप नहीं जागोगे मेरे भाई, तो याद रखना आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा। हमने अपनी जिंदगी जी ली मेरे भाई, लेकिन आने वाले बच्चों के बारे में सोचो। इस जमात मजलिस के हाजिर मुस्लिम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकेला तनहा खड़े होकर मेरे भाई तुम्हारी आवाज उठा रहा है, रोडों से लेकर ऐवानों तक पार्लियामेंट में अकेला खड़ा होकर तुम्हारे शरीयत के लिए लड़ता है। कभी अखलाक के लिए लड़ता है, कभी मिनहाज के लिए लड़ता है, कभी तबरेज के लिए लड़ता है, कभी जुनैद के लिए लड़ता है, कभी अशरफुल खान के लिए लड़ता है। आज मुल्क के अंदर कोई भी बात हो जाए मेरे भाई, एक अकेला सब तुम्हारे लिए खड़ा होता है। आप सोच लीजिए, अगर आपको ना आपके उनको हाथों को मजबूत नहीं करोगे मेरे भाई, तो कोई तुम्हारी आवाज बनने वाला नहीं। शरीयत में मदाखलत हो रही थी मेरे भाई, बताइए राष्ट्रवादी के ठेकेदार, ये कांग्रेस के ठेकेदार, ये समाजवादी के ठेकेदार, ये सब खामोश बैठे थे मेरे भाई। लेकिन अकेला मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरे भाई तुम्हारे लिए लड़ा था, तुम्हारे लिए खड़ा था, आंखों में आंसू थे और तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था मुसलमानों इत्तेहाद लाओ नहीं तो हम मिटा दिए जाएंगे। वो चीख चीख कर ये कह रहे थे मेरे भाई कि हम शरीयत मोहम्मदिया पर चलेंगे, तुम लाख बिल पास कर लो। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मोहम्मद और अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है, अपने शरीयत से मोहब्बत करता है। ना हम अपनी शरीयत को छोड़ेंगे, ना हम अपने ईमान को छोड़ेंगे, ना हम अपने इस्लाम को छोड़ेंगे मेरे भाई। मैं आपको यही बता रहा हूं मेरे भाई कि खुदा के वास्ते मेरे भाई इत्तेहाद लाओ, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो मेरे भाई। छोड़ दो दूसरों की गुलामी मेरे भाई, छोड़ दो दूसरों का झंडा, अपनों का झंडा उठाओ मेरे भाई। चंद पैसों के लालच में, चंद रुपयों के लालच में अपने जीमान और जमीर का सौदा मत करो मुसलमानों। अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंखें दी हैं, अल्लाह ने एक जज्बा दिया है, एक कुव्वत दी है, एक फिक्र दी है, एक सोच दिया है। हम लोग मेहनत करके मेरे भाई दो वक्त की रोटी खा सकते हैं, सिर्फ इफ्तार के वक्त मेरे भाई, इंतखाबात के वक्त दो वक्त की रोटी के लिए मेरे भाई अपने ईमान और जमीर का सौदा मत करो मेरे भाई। दूसरों का साथ मत दो, हार जीत अल्लाह के हाथ में है मेरे भाई। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो मेरे भाई। और इत्तेहाद में आकर भारी अक्सरियत में मेरे भाई निकल कर वोट करो, सबको इत्तेहाद का पैगाम दो, सबको बोलो मेरे भाई पतंग का निशान है, तुम्हारे हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी आवाज बनना चाहती है, तुम लोग भी मेरे भाई ऐसे साफ के जुबान की आवाज बनो, उनकी सोच की फिक्र बनो मेरे भाई, उनके निकलने वाले खून की सुर्खी बनो मेरे भाई। और अल्लाह से कहो कि अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को हर जगह कामयाबी दे दे मेरे भाई। आज वो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों तुम्हारे लिए घूम रहे हैं कि तुम्हारे को हक और इंसाफ मिल सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमें लूटा गया है, हमें पीटा गया है, हमें काटा गया है। दिल्ली की सरजमीं से इत्तेहाद की भीख मांगने आया हूं आपके बीच में।